अभी हम लोग आ चुके हैं टोयोटा का शोरूम में और मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगा कैसे एसी इंस्टॉलेशन करने का तरीका, हर चीज बताऊंगा, छोटा छोटा चीज मतलब किस टाइप से आपको ड्रेन पाइप लगाना है, किस टाइप से पाइप का कनेक्शन करना है, हर चीज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। मिसी वीसी एसी यहाँ इंस्टॉलेशन होने वाला है, तो यार वीडियो को पूरा देखना तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। टाइम वेस्ट ना कर तो वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग पूरा इंजॉय कीजिए क्योंकि कैसेट इंस्टॉलेशन बहुत बढ़िया होगा इस बार यहाँ पर टोयोटा में। तो धनबाद का जो टोयोटा का शोरूम है उसी जगह में इंस्टॉलेशन हम लोग करने के लिए आए, तो यार वीडियो को पूरा देखना। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं टोयोटा का शोरूम में, जिस जगह पे हम लोगों को मित्सुबिशी कैसेट एसी इंस्टॉलेशन करना है। ठीक है, अब हम लोग ऊपर जाएंगे, ये रहा हम लोग का फाइनली रूम जिस जगह पे एसी इंस्टॉलेशन होगा मित्सुबिशी कैसेट एसी। ये रहा हमारा एसी और ये रहा हम लोगों का रूम, ठीक है, जिस जगह पे एसी लगना है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो आपका हैंग होगा एसी उसका हम लोग कन्फर्म साइज़ नाप रहे ताकि हम लोग इक्वल कटिंग कर सके, परफेक्ट कटिंग। अगर आपके पास स्टिकर है तो आप उस तरीका से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कटिंग वगैरह का, ठीक है, हॉल टू हॉल। वो तो कंप्लीट हो चुका हम लोगों का, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि फॉल्स सीलिंग का कटिंग कर रहे हैं। साइज़ कंफर्म करके ही आप जब भी इंस्टॉलेशन करें तब काटें इसको फॉल्स सीलिंग को, ठीक है, कि साइज़ आपका कन्फर्म रहे, एसी आराम से लग जाए। हम लोग फॉल्स सीलिंग की कटिंग बढ़िया से कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग एसी का जो ड्रेन बल्ब है वहाँ पर हम लोग इंसुलेशन वगैरह ऐड कर रहे थे। ये हम लोग का फाइनली कटिंग हो चुका है, हल्का फुल्का जो बचा वो भी कटिंग हो जाएगा। और जब आप कैसेट से इंस्टॉलेशन करने के लिए जाइए तो एक बार वायरिंग वगैरह को बढ़िया से चेक कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि एसी जब हम लोग इंस्टॉलेशन करने के लिए आते हैं ये होता है कि कुछ जैक वगैरह लूज रहता है, जिसके कारण से एसी इंस्टॉल होने के बाद स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है। तो ये गलती आप ना करें, जब भी आप इंस्टॉल करें तो उसको एक बार अंदर के जैक वगैरह जो रहे उसको आप बढ़िया से चेक कर लीजिए कि हाँ मेरा कुछ लूज़ वगैरह जैक नहीं है या फिर किसी का निकला हुआ नहीं है, ठीक है, ये तो मैंने कंफर्म कर लिया यहाँ पे। अब फ्रेंड्स ये है हमारा 8mm का रेड जिसपे हमारा कैसेट एसी हैंग हुआ, ठीक है। जब भी आप हैंग करते ही होंगे, बहुत से लोग करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, जिनको ये नॉलेज में नहीं है तो वो ये अच्छा से ये इनको जान ले कि इसी से हमारा हैंग होता है कैसेट एसी, ठीक है, बढ़िया से। तो ये हमारा ऊपर का फॉल्स सीलिंग था और ये रहा पीवीसी पाइप जो हार्ड पाइप है जो ड्रेन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ड्रेन के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो उसमें इंसुलेशन डालना ना भूले, ठीक है, बढ़िया से इंसुलेशन डाल लीजिएगा। अब हम लोगों का काम चालू हो चुका है यहाँ पे आपका वेल्डिंग का, जी ये हैंग जो होगा हमारा कैसेट एसी उसके लिए रड का वेल्डिंग हो रहा है ऊपर चैनल में, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट हो चुका है आपका वेल्डिंग वगैरह, रेड तैयार है और अब हम लोग क्या करेंगे कैसेट को ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है, हैंग करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ मैं नोटिस करवा देता हूँ कि यहाँ पर आपका फ्लेयरिंग नट रहता है तो उसको आप बढ़िया से चेक कर लीजिएगा, बल्ब वगैरह। और ये जो चीज़ है ये हमारा ड्रेन बल्ब है, ठीक है, ड्रेन बल्ब में जब लगाइएगा तो बारीकी से लगाइए और इंसुलेशन वगैरह बढ़िया से ऐड कर करके। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं ऊपर हैंग करने के लिए एसी को, तो सब सामान वगैरह एक जगह का रख देते हैं ताकि यहाँ वहाँ सामान ना जाए। तो हमारा हैंग हो चुका है एसी परफेक्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से, कुछ प्रॉब्लम नहीं आए क्योंकि साइज़ कन्फर्म था। ये ऊपर का फॉल्स सीलिंग का अंदर का, ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, बढ़िया सब देख लिए। जब भी आपका ड्रेन जो रहेगा, ड्रेन लगाने के बाद इंसुलेशन आपको लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंसुलेशन वगैरह ऐसा नहीं हो कि आप इंस्टॉल कर दें और इंसुलेशन वगैरह छोड़ दें, उससे क्या होगा आपके पास सीपेज का प्रॉब्लम आएगा, मतलब कि पानी आपका लीकेज होगा ज़्यादा ठंडा होने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है, इंसुलेशन डालना है। ये हमारा पाइपिंग गया है फॉल्स सीलिंग के अंदर से आगे सीधा चल गया है, उसको ड्रेन जो था हमारे हल्का सा डाउन करके लेके गए कि बढ़िया से आसानी से पानी जा सके, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग अपना जो पाइप है, पाइप को भी, गैस पाइप, उसको भी इजी और अच्छे तरीके से उसको हम लोग बाईपास कर चुके हैं यहाँ से ऊपर ऊपर कि कहीं पर भी टच ना हो जिसके वजह से लीकेज का प्रॉब्लम आ जाए। तो ऊपर का कंडीशन हो चुका था, ये हम लोग फाइनली एसी लग चुका है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप एसी इंस्टॉलेशन करोगे, इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको वैक्यूम गैस से करना है, ठीक है,
ऐसा ना हो कि आप वैक्यूम करने के लिए भूल गए, ऐसा ना हो, ठीक है। वैक्यूम करना एकदम कंफर्म ज़रूरी है आपको, तभी आपका जो कूलिंग जो आएगा परफेक्ट कूलिंग आपको मिलेगा। ये हमारा आउटडोर है, आउटडोर कनेक्शन वगैरह भी बढ़िया से हम लोग चेक कर लेते हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। आप भी जब भी इंस्टॉलेशन करो तो बढ़िया से उसका कनेक्शन वगैरह को समझ लेना है कि आपका स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसी बढ़िया से रन करें। अब यहाँ पर फाइनली हम लोग का आउटडोर भी इंस्टॉल हो चुका है एंगल वगैरह के साथ में। अब मतलब कि ये सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है। बहुत सी चीज़ आपको नोटिस करना है, जब भी आप इस टाइप से एंगल वगैरह रहो थोड़ा हाइट वगैरह पे, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम ना हो। जो आप सेफ्टी लेकर चलते हो सेफ्टी परफेक्ट हो, सेफ्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एसी का। ये मतलब जब भी एसी वगैरह आप इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग का आउटडोर वगैरह भी शिफ्ट हो चुका है, इनडोर वगैरह भी शिफ्ट हो चुका है, और हम लोग वैक्यूम वगैरह भी क्लियर कर दिए, ठीक है। जब भी फ्रेंड्स आप एसी इंस्टॉलेशन कीजिएगा तो दो बात आपको माइंड में रखना है। पहला चीज़ जो आपका है वो आपको कनेक्शन परफेक्ट करना है। सेकंड जो चीज़ है वो आपको वैक्यूम बढ़िया से करना है, तभी आपका कूलिंग परफेक्ट आ पाएगा। तो यही डिटेल के बारे में मुझे बताना था। इसी तरह से आप इंस्टॉलेशन अच्छा से कीजिएगा, तभी आपको प्रॉपर कूलिंग आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एसी का नॉलेज आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी।